हेलो गाइस, वेलकम टू कोको गुरु 786। फिर से स्वागत है इस चैनल में आपका। तो आज मैं आपके सामने लाया हूँ एक न्यू कोकोया का हुक्का, जो मैं आपको सबसे पहले दिखाऊंगा कि किस तरह का हुक्का है, कैसे आपको सेटअप उसका करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैंने ये बैग पहना हुआ है, तो ये रहा कोकोया का हुक्का, आप देख ही सकते हैं। ये बैग दिया हुआ है इस कोकोया के हुक्के के साथ, तो ये पूरा आपको इस हुक्के के साथ मिलेगा। तो कोई भी कोकोया जैसे आपका हुक्का आता था तो आपको बैग वगैरह नहीं मिलता, तो आपको अब कोकोया के साथ आपको बैग स्पेशली मिलेगा। कोई से भी आप हुक्का परचेज करें मेरे साथ तो आपको जरूर हुक्के के साथ बैग मिल जाएगा। तो आज इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे इस हुक्के की। तो इसका कोकोया का मॉडल है मिनी हुक, तो काफ़ी अच्छा हुक्का है, स्क्वायर हुक्का है। तो आपको इसका पूरी अनबॉक्सिंग रिव्यू सेटअप करके पूरा दिखाऊंगा। और इसमें खास बात है कि LED वाला हुक्का है, इसमें आपको इनबिल्ट LED मिलने वाली है, जो आजकल बहुत ट्रेंडिंग हुक्के चल रहे हैं LED वगैरह के साथ, तो इसके साथ आपको LED भी फ्री मिलेगी। तो चलते हैं इस पूरी वीडियो को बनाने के लिए। तो सबसे पहले इसको पूरे हुक्के को निकाल देते हैं हम। ये इसका रख दिया बैग, और देखिए इसका बैग भी काफ़ी शानदार है कि आप कहीं भी कैरी करके जा सकते हैं, कहीं भी आप ट्रैवलिंग के लिए जा रहे हैं, किसी फ्रेंड से अगर सीन बनाना है, सीन सेट करना है, तो काफ़ी अच्छा बैग है। कोकोया वाले आपको इसके साथ बैग मिलेंगे, और भी हुक्के के साथ आपको बैग मिल जाएगा। तो आप हुक्का गुरु 786 से परचेज करेंगे तभी आपको एक बैग मिलेगा, नहीं तो आप किसी रिटेलर शॉप से आजकल लेते हैं, कहीं से लेते हैं, तो आजकल बड़ी डुप्लीकेट ही चल रही है, जैसे पार्ट्स वगैरह तो आपको मिलते नहीं, तो वो बैग क्या ही देंगे आपको, मुझे नहीं समझ आएगा। बाकी हुक्का गुरु 786 पे आपको ये कोकोया की तरफ से आपको बैग मिल जाएगा, आप हर किसी बंदे को प्रोवाइड करवा देंगे कोकोया का ओरिजिनल हुक्का। तो चलते हैं हम इसकी पूरी अनबॉक्सिंग करने। तो सबसे पहले आपको दिखाता हूँ मैं इसके साथ आपको क्या क्या मिलने वाला है। इसके साथ आपको हुक्के के साथ मिलने वाला है सिलिकॉन का पाइप, जो काफ़ी अच्छा पाइप है इसमें, और काफ़ी मतलब मजबूत पाइप है। मतलब सिलिकॉन एक आता है हार्ड वाला, एक आता है बिल्कुल नॉर्मल क्वालिटी, तो ये हार्ड क्वालिटी है जो आपकी लॉन्ग लास्टिंग है, लाइफ टाइम यूज चलेगी, काफ़ी अच्छा पाइप है। ये ग्रे कलर का पाइप है आपको इसके साथ मिलने वाला है। और आपको इस हुक्के की एक और खास बात बताऊँगा, इसकी जो चिलम है, ये आपने चिलम कभी देखी नहीं होगी, ये चिलम देखिए, ये एल्यूमिनियम प्लस वुडन टाइप चिलम है, जो मतलब आपकी कभी खराब नहीं होगी, ना आपकी कभी ऐसे टूटने वालों में से है, क्योंकि ये पूरा एल्यूमिनियम स्टील में बनी हुई है, और जो काफ़ी अच्छी चिलम है, देख ही सकते हैं आप, इसका जो होल है वो बीच में दिया हुआ है। तो मतलब खास बात इसमें क्या है यार, हम कभी फ्लेवर डालते हैं तो फ्लेवर नीचे से बह जाता है, उसका रस मतलब नीचे से निकल रहा होता है, तो हमें क्या लगता है, बेकार लगता है, चिपचिपा सा लगता है, और फ्लेवर जल्दी जलाता है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसका आपका मतलब फ्लेवर भी ज़्यादा देर तक चलेगा, और ऐसी चिलम आपने कभी हुक्कों के साथ देखी ही नहीं होगी, सबसे बड़ी बात। तो आपको पूरा रेडी करके दिखाऊंगा इसको सेटअप। तो बाकी मैं ये कहूँगा कि वीडियो को पूरा एंड तक देखें, फुल वॉच करेंगे तभी आपको मजा आएगा, क्योंकि मैं एक और चीज़ आपको दिखाऊंगा कि इसके अंदर क्या क्या है, कौन सी LED कहाँ लगनी है, कैसा सेटअप है, तो पूरी फुल वीडियो देखने में मजा आएगा आपको। और इसके साथ आपको मिलने वाला है इसका ये हैंडल, जो पाइप के आगे लगेगा, तो मैं आपको दिखा देता हूँ इसके जो पाइप का हैंडल है, ये इसके अंदर आपको फिट करना है बिल्कुल बस, और कुछ भी नहीं है। तो आपका मतलब लॉन्ग हैंडल पाइप ये बन ही गया, तो काफ़ी अच्छा है लॉन्ग हैंडल पाइप ये। और इसके साथ साथ आपको दिखाता हूँ इसका क्या क्या सामान मिलेगा। इसके साथ आपको जो हुक्का है वो इस टाइप का हुक्का है, स्क्वायर हुक्का, जो आपने कहीं देखा हो तो पता नहीं, बाकी ये है मिनी हुक। इसका कोकोया का मॉडल है मिनी हुक के नाम से। इसकी देखिए जो है पाइप लगाने की नोजल वगैरह देखिए कितनी स्टाइलिश है। तो आपको सेट करके दिखाऊंगा इसका पूरा सेटअप कैसे होगा। और सबसे खास बात इसके अंदर है, मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या दिखाया गया है। इसके साथ आपको मिलने वाला है डिफ्यूज़र, मतलब डिफ्यूज़र की खास बात आपको ये है कि इसमें जो आपका पानी का टैंक जब हम भर देते हैं तो साइलेंट हो जाता है, जब हम वाटर प्रेशर होता है वो बिल्कुल साइलेंट हो जाता है। मतलब क्या थोड़ा बहुत साइलेंट मतलब अच्छा लगता है कि मतलब ज़्यादा साइलेंट भी अच्छा लगता है, पता नहीं चलता कि यार हुक्का पी रहे हैं नहीं पी रहे, तो फ़ायदा नहीं है। तो इसमें ऐसा अच्छा डिफ्यूज़र दिया है कि आपको पता चलेगा कि आप हुक्का भी पी रहे हैं और आपका डिफ्यूज़र भी काम कर रहा है। तो इसको पूरा रेडी करके दिखाऊंगा आपको मैं। और जो इसकी साइड में जो नोज़ल है ये आपकी खुल जाती है, अगर आपको इसको कभी मतलब साफ़ करना हुक्का तो आप अंदर से मतलब उसका साफ़ कर सकते हैं पूरा ग्लास। और इसके नीचे आपको ये LED दी गई है, इनबिल्ट LED। तो आपको इसका पूरा सेटअप करके दिखाऊंगा अभी आपको कि इसका कैसे रेडी होगा। तो चलते हैं इसको पूरा रेडी करने। सबसे पहले तो हम इसके अंदर इसका पानी डालेंगे,
टैंक हमें भरना है। इसका भर दिया टैंक और ये हमने लगा दिया इसका डिफ्यूजर वाला पार्ट नोजल, और इसका लगा दिया ये भी पाइप का नोजल। ये पाइप का नोजल आपको देखो इस शेप के अंदर रखना है, सबसे बड़ी बात है, क्योंकि इसका जो होल दिखाया गया है वो इस साइड पे दिया हुआ है, तो इसको बस इसी साइड पे आपको नोजल रखनी है। आपको मैं पूरा दिखा देता हूँ किस तरह से रखनी है। ये आपने इसको पूरा सेट कर दिया, मतलब जहाँ कोको आया लिखा है आपका, तो उसी साइड पे आपकी इसकी नोजल आएगी बिल्कुल परफेक्ट। तो इसको रेडी करके दिखाता हूँ मैं। और ये इसका है सिलिकॉन का पाइप जो आपको मैंने बताया था, ये बस इसको अंदर इसके अंदर लगा देना, और आपका इसके अंदर ये लगेगा रबड़। और जैसे कि आपको मैंने बताया कि हम ये वाली आजकल चिलम आई, ये हम जैसे दिखा रहे थे कि ये वाली जो चिलम दिखाई गई है इसमें, ये है जो एल्युमिनियम पार्ट की चिलम है, तो मैं इसमें तो अभी ये यूज़ नहीं करूँगा, इसके साथ मैं अभी ये सिलिकॉन चिलम यूज़ करूँगा कोको एयर की। मतलब खास बात ये है कि सिर्फ ये एल्युमिनियम है, उसका आपका साइड में मतलब बीच में छेद दिया हुआ इसके अंदर, और ये वाले इसके बीच के छेद दिए हैं। इसमें मैंने फ्लेवर रेडी करा हुआ है, हर्बल फ्लेवर यूज़ करा है मैंने इसमें, तो इसको मैं आपको सेटअप करके दिखाऊंगा। ये चिलम हम इसलिए यूज़ नहीं कर रहे क्योंकि यार ये बिल्कुल क्या है अपने नए बंदों के लिए स्पेशली, तो आपको मैं रेडी तो करके दिखा सकता। और बाकी जो है एक और खास बात दिखाता हूँ, ये जो हम सिलिकॉन चिलम यूज़ कर रहे हैं इसके साथ मैं लोटस का क्लाउड यूज़ करूँगा आपके साथ, जो मैं आपको पुरानी वीडियो के अंदर यूज़ करके दिखाता हूँ। तो काफ़ी अच्छा इसका डेंसिटी बनेगा इस हुक्के का, मेरे को जैसा लग रहा है कि मैंने अभी तक ट्राई तो करा नहीं है, बट मुझे इतना फील आ रहा है कि ये अच्छा डांस मूव बनाएगा। तो इसको पूरा रेडी करके दिखाते हैं आपके सामने। ये आपने कि इसकी हमारी चिलम रेडी हो रखी है, बिल्कुल फ्लेवर डाली रखी है हमने। ये हमने इसके ऊपर लगानी है बस चिलम, और उसके ऊपर क्या लगाते हैं क्लाउड। क्लाउड के अंदर आपको कूल का सेटअप करके दिखाता हूँ। मैंने अपना ठंडा स्मोक बनाने के लिए ठंडा पानी डाल दिया है, और आपको और चीज़ें दिखा दूँ मैं। आज मैं इसके अंदर कोको आया कि कोको एंड कोल यूज़ करूँगा, और साथ में मैंने आपको जैसा बताया कि ये है लोटस का क्लाउड, जो आपको लोटस का क्लाउड हुक्का गुरु 786 से मिल जाएगा। कोको आया कि मैं मैजिक कोल भी यूज़ करता हूँ कभी कभी, आपको मैंने पुरानी वीडियो के अंदर दिखा रखी है। और ये जैसे कोल स्टार्टर पड़ा है, मतलब हुक्का स्टार्टर गन मशीन, मतलब आपके हुक्के को डांस स्मोक में रेडी करके बनाया जाता है, तो ये भी अभी आपको मैं यूज़ करके दिखाऊंगा कि कैसे इसका यूज है। और आपको मैं बता दूं एक और बात, आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो हमारे पास हर्बल फ्लेवर सारे मिल जाएंगे हुक्का गुरु 786 भी, आपको शीशा 360 कंपनी के कमिश्नर पान की भी मिंट, आपको सारे फ्लेवर सबको अवेलेबल हैं हमारे पे। ये उसका पूरा सेटअप है, आपको मिसबा म्यामिस ब्लू डबल एप्पल मिंट फ्रेंच वनीला आइस फ्रीजर और पान 360 ग्रेप मिंट ऑरेंज ग्रेप्स सारे फ्लेवर्स आपको प्रोवाइड हो जाएंगे हुक्का गुरु 786 से। आप मुझे डायरेक्ट मैसेज या कॉल कर सकते हैं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा हुक्के फ्लेवर्स का, आपको वहां से शीशा 360 के हर्बल फ्लेवर मिल जाएंगे सारे। और जैसे कि अगर मैं इंस्टाग्राम पे अभी आपको मैसेज नहीं कर पाता, तो दोस्तों यार कोई घबराने की जरूरत नहीं, आप मुझे डायरेक्ट मैसेज या कॉल कर लें या व्हाट्सअप कर दें, आपको सारा रिप्लाई मिल जाएगा, उनकी सारी डिटेल्स इंक्वायरी आपको सारी प्रोवाइड हो जाएगी हुक्का गुरु 786 से। बाकी चलते हैं हुक्का बनाने के लिए, आप रेडी करते हैं बस सबको इसके अंदर कोल को रेडी करके दिखाते हैं आपको। ये है इसका क्लाउड का ढक्कन मैंने उतारा, सबसे पहले तो मैं यार इसको पैक कर दिया देता हूँ आपको, साइड रख देता हूँ यहाँ पर नीचे। और ये जो मैंने कोको आएगा आपको बैग दिखाया था, ये भी आपको प्रोवाइड हो जाएगा बिल्कुल हुक्का गुरु 786 से। ये मैं आपको साइड में लगा के देता हूँ यहाँ पे, और तो क्या हम पूरा सेटअप का मजा लेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ इसकी कोल, ये मैंने कोल रेडी करी है। ये है कोकोनट कोल जो आपको मैंने दिखाई कोको आगे कोकोनट कोल, तो मैंने आज ये यूज करी गई है। इसकी क्या खास बात होती है कि मतलब ये ज्यादा देर तक चलती है, कम से कम आपकी मोटी वाली कोल है ये आपकी एक घंटे तक चलती रहेगी, आपका हुक्का पीने का मन भर जाएगा, फ्लेवर जल जाएगा, बट ये कोल इतनी जल्दी खत्म नहीं होती। तो इसकी खास बात मुझे ये लगती है कि काफ़ी अच्छा स्मोक भी बनाती है, और डेंसिटी भी काफ़ी अच्छी बना के रखती है, और इसमें क्या है ऐश नहीं जमती इतनी जल्दी। और ये आपका मैंने इसको बिल्कुल सेट कर दिया, पैक कर दिया, तो मैं आपको गन मशीन यूज़ करके दिखाता हूँ। ये थी हुक्के की गन मशीन, और सिर्फ इसका नॉर्मल क्या तरीका है, ये आपको एसेसरीज दे रखी है, इसके साथ आपको इसकी वायर मिलती है चार्जिंग करने के लिए, इसको सिर्फ 15 से 20 मिनट तक चार्ज करना होता है।
सिर्फ इसके ऊपर ये कैप लगानी है, मतलब इसकी एक्सेसरीज। ये आपने एक्सेसरीज लगाने के बाद ये चिलम उतारनी है, ये आपकी चिलम इसको उतार के बाद इस पर लगानी है सेटअप करने के लिए आपका बिल्कुल डांस। ये आपका डांस मूव रेडी हो चुका है 2 सेकंड के अंदर। बस इसका कुछ भी आपको नहीं करना होता, बस ये 2 सेकंड के लिए चार्ज पे लगानी पड़ती है और इसको बस हुक्के को चार्ज कर देती है। ये है इसका दूसरा तरीका। तो इसका स्मोक रेडी हो चुका है, आपको पहले ही ड्रैग के अंदर इसका स्मोक दिख जाएगा कितना डेंसिटी काफी अच्छी है इसकी। देख ही सकते हैं कितना शानदार डांस मूव आ रहा है। तो उसकी खास बात यह है कि इसके अंदर डिफ्यूजर है, डिफ्यूजर की आप देख रहे हैं इसकी वॉइस जो आ रही है मतलब थोड़ी लाइट आ रही है, मतलब क्या है बिल्कुल ज्यादा दबी दबी नहीं कि वहां पे बिल्कुल तेजी से आवाज आ रही है। तो इसकी यही खास बात है कि आवाज बिल्कुल थोड़ी सी साइलेंट हो जाती है थोड़ा सा आपको, और काफी अच्छा क्या है इसकी डेंसिटी बना रहती है। सबसे बड़ी बात है डिफ्यूजर की खास बात होती है। और जो इसका मैं आपको बता रहा हूँ कि नोजल जैसे इसका दिया गया साइड के अंदर, तो आपको इसी पोजिशन के अंदर रखना है वो कोको जाएगी। जैसे मैं चिलम यूज करी है तो आपको इसके साथ ये चिलम सेम मिलेगी ये वाली, तो इसके साथ आपको बॉक्स के साथ आपको ये ओरिजिनल चिलम मिलने वाली है। इसकी चिलम की कॉस्ट भी काफी महंगी होती है, तो आपको इस हुक्के के साथ ये जरूर मिल जाएगी। अलग से आप सिर्फ हुक्का गुरु 786 से आपको ये चिलम मिल जाएगी सिलिकॉन की, या लोटस का क्राउड आपको हुक्का गुरु 786 से मिल जाएगा। और बाकी जैसे कि मैंने आपको बताया कि डांस स्मोक बनाते कैसे हैं, तो इसके लिए गन मशीन मैंने यूज करी है, ये आपको हुक्का गुरु 786 से मिल जाएगी जिसको भी आपको परचेज करनी हो। और साथ साथ में जैसे कोकोनट कोल मैंने यूज करी है, तो कोकोनट कोल जलाने के लिए ये कोल बर्नर जरूरी है। ये छोटा सा कोल बर्नर है तो काफी अच्छा है। इससे पहले आपको मैंने पुरानी वीडियो के अंदर बड़ा कोल बर्नर दिखाया था, तो वो भी आपको हुक्का गुरु 786 से मिल जाएगा। इस बार मैंने ये यूज करा तो ये भी आपको हुक्का गुरु 786 से मिल जाएगा। तो खास बात यही है कि इसकी डेंसिटी काफी अच्छी दिखाई गई है हुक्के की। और जो इसकी गन मशीन है सिर्फ ये 15 मिनट तक आपको या 20 मिनट तक इसको चार्ज करनी है। और इसका यूसेज मैंने आपको दिखाई दिया है कि इसका दूसरा यूसेज कैसे है। सिर्फ इसको पाइप के अंदर डालना है यहाँ पे और इसको ये आपका हो गया स्मोक वापस रेडी दोबारा से। तो आपने यहाँ तक वीडियो देखी ली, आपको मैंने बताया था कि लास्ट में एक एंड में आपको एक चीज दिखाऊंगा। तो इसकी खास बात है ये एलईडी, इसके अंदर एलईडी है जो ये देखिए, ये आपका एलईडी बेस बन गया। तो कैसा लगा आपको ये इसका रिव्यू और सेटअप जो मैंने आपको एंड में थोड़ा दिखाया, लेट दिखाया। इसकी आपको एक नीचे छोटी सी एलईडी लाइट मिलेगी इनबिल्ट है, तो आप उसको सिर्फ उसके अंदर फिक्स रहेगी। और उसको कभी आपको सेल डालना हो चार्जेबल है, चार्ज कर सकते हैं, मतलब चार्ज का मतलब ओनली सेल डालना है। और सिर्फ आपको ये उसके साथ इसका रिमोट मिलेगा, आप इसके अंदर कलर भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपको नॉर्मल कलर रखना है तो कोई से भी कलर रख लो, रेड रख लो, एक ग्रीन रख लिया, ये आपने ब्लू रख लिया। अगर आपको मल्टी कलर में रखना है, कहीं पार्टी वेयर में बैठे हो तो पार्टी के लिए काफी अच्छा है इसका। ये देखिए कितना बढ़िया सेटअप लग रहा है।
काफी अच्छा है, इसका डेंसिटी काफी अच्छा लेवल है। छोटा सा हुक्का है, मिनी हुक के नाम से कोको है ब्रांड का हुक्का है। अगर आपको परचेज करना हुक्का ग्रुप 786 से आपको मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप जाके डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं, मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं इस हुक्के के लिए। तो आपको और भी चीज दिखाता रहूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर कि और भी क्या चीजें हैं, तो पुरानी वीडियो को भी सपोर्ट करना गाइस और इस वीडियो को भी मजा लेना। तो काफी अच्छे रिंग्स भी बन रहे हैं और काफी अच्छा इसका डांस मोड आ रहा है। इसका आपने रिव्यू तो देख ही लिया, अनबॉक्सिंग मैंने आपको दिखा दी, इसके अंदर क्या क्या आपको मिलने वाला है, साथ में इसका आपको चिमटा मिलेगा, तो हुक्का गुरु 786 से आपको सारा सामान भी मिल जाएगा। तो बाकी ऐसे ही आपको एसेसरी जितनी भी आपको चाहिए हुक्का गुरु 786 से सिलिकॉन चिल्लम क्लाउड, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, आप वहां से डायरेक्ट मेरे को परचेज कर सकते हैं, मैसेज या कॉल भी कर सकते हैं। तो बाकी नेक्स्ट वीडियो को सपोर्ट करना, पुरानी वीडियो को भी जरूर देखें और हुक्का गुरु 786 को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और इंस्टाग्राम हुक्का गुरु 786 को फॉलो करें। आपको साइड में मैं अपना दे दूंगा कौन सा मेरा पेज है, तो आप उसी को जाके फॉलो करें और फ्रॉड पेजेस से बिवेयर रहें, क्योंकि आज की डेट में बहुत सारे फ्रॉड पेजेस आ गए हैं, तो उनसे थोड़ा बिवेयर रहना प्लीज, क्योंकि बहुत सारों का फ्रॉड हो चुका है ऑलरेडी। तो आप सब सेफ रहें, मेरे से डायरेक्ट परचेज करने के लिए हुक्के को डायरेक्ट मेरा नंबर कॉलिंग नंबर मिला दें, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके, थैंक यू सो मच गाइस। ये मेरा इंस्टाग्राम हुक्का गुरु 786 का पेज है, जिस पे आप लोग परचेज कर सकते हैं, सारा सामान आपको मिल जाएगा, हुक्का एसेसरीज फ्लेवर कोल एक्सेट्रा जो भी एसेसरीज है वो आपको इस हुक्का गुरु 786 पे मिल जाएगी। तो आप लोग इसको शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, बाकी इसमें से कुछ भी आपको डायरेक्ट मैसेज के थ्रू आपको परचेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब करें, प्लीज प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट।